अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, अगर कोई शख्स अंधेरे में नमाज़ पढ़ने लगता है तो कुछ लोग उसे टोकने लगते हैं कि आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज़ तो मकरूह होगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या अंधेरे में नमाज़ पढ़ने से नमाज़ मकरूह हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमी है कि अंधेरे में अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ मकरूह होती है। नमाज़ मकरूह नहीं होती है, नमाज़ में कोई भी कराहत नहीं आती है, आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको क़िबले की समत मालूम होनी चाहिए और क़िबले की तरफ ही आप चेहरा करके नमाज़ पढ़ रहे हों तो चाहे आप अंधेरे में पढ़ रहे हों उससे नमाज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद साबित है कि आपने अंधेरे में नमाज़ अदा फरमाई है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नमाज़ अदा फरमाते थे तो मैं आपके सामने लेटी हुई होती थी। जब आपको सजदा करना होता था तो आप इशारा कर देते थे और मैं अपने पाँव को समेट लेती थी, और जब आप सजदे से उठते थे तो मैं अपने पाँव को फिर बिछा लेती थी। तो हज़रत आयशा फरमाती, वल व्यू तो यौमाज़ीन लैसा फ़ीहा मसाबी, यानी उन दिनों जो है घरों के अंदर चिराग नहीं हुआ करते थे, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में नमाज़ अदा फरमाते थे। तो इससे मालूम हुआ कि अंधेरे में नमाज़ पढ़ने से कोई नमाज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता है।